आज जो हम बताने जा रहे हैं उसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। ये जो इंतजार है ये कुछ दिनों का इंतजार नहीं था, ये महीनों का इंतजार नहीं था, ये सालों का इंतजार था। अब सोचो कि सिर्फ इसको बनाने में एक साल से ज्यादा का वक्त लगा, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत, हर बारीकी से रिसर्च किया गया कि क्या बच्चों को चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। आज एक बहुत ही स्पेशल डे है। स्पेशल डे इसलिए है क्योंकि आज जो हम बताने जा रहे हैं उसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और आपसे ज्यादा कहीं इंतजार हम सालों से कर रहे हैं। और जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं या फिर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आज हम जो बताने वाले हैं, जो हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसके पीछे हमने बहुत लंबा समय मेहनत किया है, बहुत लंबा वक्त गुजारा है और हमने इस वक्त का इंतजार किया है कि आखिर ये आएगा कब। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कुछ बेहतर करना है, अगर कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, अगर उसको बहुत शानदार तरीके से एग्जीक्यूट करना है तो उसके पीछे बहुत तैयारी करना पड़ता है। और इसीलिए है कि इस तैयारी के पीछे पूरे 5 साल बीत चुके हैं। अब सोचो कि 5 साल जिसके लिए पूरी तैयारी चला हो, पूरा जोर शोर चला हो, वो जब अब आपके सामने आएगा तो वो किस लेवल का है। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी बिलासपुर में, यानी कि छत्तीसगढ़ की न्यायधानी में, एजुकेशन हब जिसको हम बिलासपुर को कहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, वहां हमारा ऑफलाइन सेंटर आने वाला है। अब में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि रायपुर में आ चुके थे, दुर्ग में आ चुके थे, राजनांदगांव भी आने वाला है, बिलासपुर अब क्यों? क्योंकि बिलासपुर जो होने वाला है ऑफलाइन सेंटर, इसकी तैयारी हम काफी लंबे समय से कर रहे थे। हम आपको थोड़ा सा ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाएंगे कि वो किस लेवल का वहां पर तैयारी हुआ है, हालांकि वो अभी अंडर प्रोसेसिंग है, लेकिन फिर भी हम कुछ आपको झलक दिखाएंगे ताकि अगर आप इस सेंटर को लेकर जानना चाह रहे थे, अगर आप उत्सुक थे, तो आपको भी कुछ वहां पर देखने को मिले। तो बस बिलासपुर आने में हम इसीलिए विलंब हुए क्योंकि तैयारी बहुत जोरों शोरों से थी और इस प्रोसेस में अगर कुछ बेहतर करना हो तो उसमें वक्त जरूर लगता है। अब फाइनली इंतजार खत्म होने जा रहा है और बिलासपुर में हम ऑफलाइन सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, कंपटीशन कम्युनिटी का ऑफलाइन सेंटर शुरू होने जा रहा है और ये सेंटर शुरू हो रहा है, यानी कि जो पहला कोर्स होगा सीजीपीएससी इंटीग्रेटेड और सीजीपीएससी प्रीलिम्स, वो 1 मार्च 2023 से होगा। आगे हम बहुत सारे डिटेल पे बात करने वाले हैं, आपसे बहुत कुछ साझा करने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट को कौन डील करेंगे, किस तरह से डील करेंगे, आपको यहां किस तरह से फीचर्स मिलने वाला है, बहुत कुछ जानने को मिले। लेकिन सबसे पहले आज मैं जिनसे आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, आप लोगों के बीच वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि आप सभी जो है उनसे बहुत प्यार करते हो और वो भी आप सभी से बहुत प्यार करते हैं। और सीजीपीएससी लाइव कोर्स जब चल रहा था प्रीलिम्स बेस पर, तो आप सभी ने उन्हें बहुत प्यार दिया। मैं बुलाना चाहूंगा मयूर कस्तूरी सर को, तो सर प्लीज आइए और मयूर कस्तूरी सर का इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं करा दूं। हालांकि मैंने आपको बोला कि ये किसी पहचान के अब मोहताज नहीं है आप लोगों के बीच में, ये आप सभी से बहुत प्यार करते हैं। बस मैं ये बता दूं कि बिलासपुर का जो ऑफलाइन सेंटर होगा और इस ऑफलाइन सेंटर को लीड करने वाले हैं मयूर सर, यानी कि बिलासपुर ऑफलाइन सेंटर के सेंटर हेड होंगे। अब आप जब सेंटर पे आएंगे, जब आप यहां पे पढ़ेंगे, तो मयूर सर के अंडर में ही पढ़ेंगे। हालांकि फैकल्टी कोई भी आपको डील करे, लेकिन फाइनलाइज जो सारी चीजें होंगी, आपको क्या मिलना चाहिए, मटेरियल किस तरह से मिलने चाहिए, क्लासरूम कब कंडक्ट होना चाहिए, किस तरह से, अगर आपको किसी प्रकार से कोई समस्या आता है बीच में तो उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, सारी जिम्मेदारी जो होगी वो मयूर सर की होगी। तो मयूर सर से यहां पे हम बातें भी करेंगे और मयूर सर आपको बहुत डिटेल में भी बताएंगे। मयूर सर 1 मार्च से हम बिलासपुर में आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आनंद सर को धन्यवाद दूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें बिलासपुर ऑफलाइन की, तो जैसा सर ने कहा, ये जो इंतजार है ये कुछ दिनों का इंतजार नहीं था, ये महीनों का इंतजार नहीं था, ये सालों का इंतजार था। सालों से कंपटीशन कम्युनिटी ये प्रिपेयर कर रहा था कि वो कब बिलासपुर में ऑफलाइन सेंटर लाए और अब वो दिन बिल्कुल नजदीक है। जैसा सर ने डेट अनाउंस किया, तो रायपुर और दुर्ग में तो हम लोग ऑफलाइन सेंटर्स हमारे थे ही, ऑनलाइन प्रेजेंस में तो हमको बहुत जबरदस्त आपका इतने सालों से प्यार मिल ही रहा है और अब बिलासपुर ऑफलाइन सेंटर 1 मार्च से ओपन हो जाएगा और यहां पर जैसा सर ने बताया सीजीपीएससी इंटीग्रेट
रिलेटेड प्री प्लस मेंस इसके बैचेस रहेंगे मॉर्निंग में और इवनिंग में, साथ साथ सीजीपीएससी प्रीलिम्स का बैच 1 मार्च से ये भी शुरू हो रहा है, इसका भी एक बैच मॉर्निंग में और एक बैच इवनिंग में रहेगा। और इस वीडियो में हम आपको इतना डिटेल में बताने वाले हैं कि इतने सारे हमने फीचर्स एड ऑन किए, यानी कन्वेंशनल टीचिंग जो चल रही है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमने वो सारे मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस भी अपनाए हैं जो कि एजुकेशन इंडस्ट्री में कोई भी देश में कर रहा है। तो जो एडवांस्ड फीचर्स हो सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल स्मार्ट क्लासेस में ऐसी स्मार्ट क्लासेस जो कि अपने आप में वन ऑफ द लीडिंग एजुकेशनल रेवोल्यूशन आप मान के चले कि उसमें सारी चीजें आपको स्मार्ट क्लासेस में मिल जाएंगी, तो ऐसे तमाम फीचर्स इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टीचर्स आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं उसका भी पूरा डिटेल इसी वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है अगर आप एक सीरियस सीजीपीएससी एस्पिरेंट हो जो कि बिलासपुर में पढ़ना चाहता है, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ जरूरी बातें जो है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो टॉप 100 इंटीग्रेटेड बैच में बच्चे होंगे उनको डायरेक्ट यानी कि फ्लैट 10,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया जाएगा, और फीस भी कोई हाईफाई नहीं है, फीस का सारा डिटेल जो है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर मिल जाएगा। लेकिन आपको जो है 10,000 रुपीज अगर आप टॉप 100 में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 10,000 रुपए का डायरेक्ट जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर यही आप प्रीलिम्स बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि वो भी कब से शुरू हो रहा है 1 मार्च से, तो उसमें आपको सीधा सीधा 4,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप टॉप 100 के अंडर में एडमिशन लेते हैं। तो अब आप बोलोगे कि एडमिशन आप बोल रहे हो, क्या इसका कुछ प्रोसेस शुरू हुआ है? तो बिल्कुल शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक तो हमने प्रमोशनल एक्टिविटी शुरू ही नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर बाहर निकली थी। अभी से मैं बता रहा हूं 8 से 10 रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2 दिन में हुआ है, जब से ये थोड़ा सा ऐसे ही गॉसिप की वजह से जब ये पता चल गया लोगों को कि बिलासपुर में कॉम्पिटिशन कम्युनिटी ऑफलाइन सेंटर हो रहा है, तब से 8 से 10 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो ये वीडियो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होने वाला है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है या वेबसाइट पर नंबर दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिए हुए हैं, तो आप कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चाहे आप प्रीलिम्स में एडमिशन लेना चाहें, चाहे आप इंटीग्रेटेड में एडमिशन लेना चाहें। सबसे पहली बात, जो हमारा सीजीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच यानी प्री प्लस मेंस कंबाइंड बैच है उसकी बात करें तो 15 मंथ प्रोग्राम होने वाला है, 15 महीने। तो 15 महीनों में हम आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव जिसको कहते हैं, है ना, फुल डिटेल्ड मैनर में कंप्लीट करने वाले हैं, यानी हम उसमें कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, आपको दिख भी रहा होगा, क्योंकि हम जब बोलते हैं 15 महीने तो हम यानी बहुत सफिशिएंट टाइम इसको दे रहे हैं, जबकि जो हमारा प्रीलिम्स बैच होने वाला है उसका जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का होने वाला है। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस लगने वाली हैं और जो सैटरडे होगा वहां पर आपका टेस्ट होगा, तो वीकली टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना होता क्या है कि हम बच्चे क्या करते हैं, हम निरंतर रूप से पढ़ते जाते हैं और आकलन नहीं करते हैं कि हम लोग स्टैंड कहां करते हैं। इसलिए हमने वीकली टेस्ट कंपलसरी रखा है कि हर सैटरडे आपको एक टेस्ट देना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ हमको एनालाइज करना है कि हम लोग क्या सही दिशा में पढ़ रहे हैं। और वो कब पता चलता है, जब हम लोग टेस्ट फेस करते हैं, हमको रैंक पता चलती है कि दूसरों के साथ हमारी स्टैंडिंग कहां पे है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो जोड़ा गया है वो है हाइब्रिड क्लास का। हाइब्रिड क्लास का फीचर क्या है तो ध्यान से सुनिएगा, कई बच्चों के साथ ये समस्या होती है कि सर हमको कोई विशेष दिन हमारा एग्जाम है, कोई दूसरा एग्जाम है, तो सर हम ऑफलाइन क्लास अगर नहीं आ पाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मिस हो जाएगी, सर हम क्या करें, या सर हमको मान लो कोई सर प्रोग्राम में जाना है, बहुत जरूरी प्रोग्राम है, और ऐसे बच्चों की संख्या सर बहुत ज्यादा कि मतलब आज बच्चे नहीं आए, कल बच्चे नहीं आए, एक हफ्ते शादी में चले गए, हालांकि जब बीमार हो गए, हाँ जब आप सीरियसली प्रिपरेशन करते हो तो इन तरह की चीजों से, फैमिली फंक्शंस या बहुत सारे फंक्शन से बचना चाहिए, कम से कम अटेंड करना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं जितना भी बच्चों होता है प्लस बीमार हो जाते हैं बच्चे कई बार, तो ऐसी स्थितियों में भी हमने क्या प्लान किया है कि जो ऑफलाइन क्लास है वो तो आपकी ऑफलाइन क्लास चल ही रही है, और साथ साथ आपके लिए हमने प्लान किया है कि क्लास में ही आपको कैमरा एक जो रखा जाएगा वो रिकॉर्ड करेगा पूरी क्लास को, और आप लाइव उसको कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की ऐप में उस क्लास को कहीं से भी देख सकते हो, यानी अगर आप उस समय उस दिन
दिन उपस्थित नहीं हो पाए ऑफलाइन क्लास में, तो आप ऐप में वही ऑफलाइन क्लास को लाइव कहीं से भी देख सकते हो, घर से देख सकते हो या जहां पर भी आप हो वहां से भी देख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको मिलेगा। साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको ऐप पे मिलेंगी, यानी मान लो उस समय आप अवेलेबल ही नहीं हो, आप उस समय वीडियो देख ही नहीं पाए ना ऑफलाइन ना लाइव ऐप पे, तो भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो पूरी क्लास की मिल जाएगी कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की ऐप पर। यानी किसी भी स्थिति में आपकी क्लास हम मिस होने ही नहीं देने वाले, आपको पढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है, तो क्लास आपकी मिस होने ही नहीं वाली है। इसके अलावा एक बहुत जरूरी फीचर है जिसको हम कहते हैं प्री शेड्यूल्ड क्लासरूम प्रोग्राम। अब बहुत सारी जगहों पर यह समस्या देखने को मिली कि भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, मतलब हम लोग अलग अलग बात करें एजुकेशन इंडस्ट्री में कि बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रेंड डेवलप हो गया है कि भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सर पढ़ा भी ठीक रहे हैं, एक तो पढ़ाना ठीक ये भी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कई जगह चले पढ़ा भी ठीक रहे हैं लेकिन सर सिलेबस टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और एग्जाम तक आते आते बहुत कम सिलेबस हो पाता है और फिर एग्जाम से तुरंत पहले बिल्कुल भगाया जाता है और आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर होती है वो इतनी होती नहीं है, तो घंटे घंटे बिठा के आपको पढ़ाया जा रहा है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल नहीं पाता है और होता यह है कि आपको जब रिविजन के लिए टाइम मिला नहीं, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिला नहीं, तो एग्जाम नहीं निकला। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है प्री शेड्यूल्ड क्लासरूम प्रोग्राम। यानी अगर 15 महीने का इंटीग्रेटेड या 6 महीने का प्रीलिम्स कोर्स जो भी आप एडमिशन लेते हैं, पहले से ही शेड्यूल्ड क्लासेस रहेंगी कि इतने सब्जेक्ट के टीचर को इतनी इतनी क्लासेस दी जाएंगी जो कि रखी गई है, पुराना जितना भी उस जो सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंस है, जो उसका कॉन्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी बिल्कुल अकेडमिक बेसिस पर हमने एक प्री शेड्यूल्ड प्रोग्राम बनाया है ताकि सिलेबस बिल्कुल टाइमली कंप्लीट हो पाए। इसलिए आप देखो हम लोग कितने दावे से कह रहे हैं कि 6 महीना यानी 6 महीना में प्री कंप्लीट करेंगे, 15 महीना यानी 15 महीना में आपका प्री प्लस मेंस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने ये प्री शेड्यूलिंग कर ली है। और यही कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो हम दे रहे हैं, इसकी वजह से ही हमको इतना समय लगा बिलासपुर ऑफलाइन में आने में, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम ऐसा आए, इतनी जबरदस्त तैयारी के साथ आए जिसको हम कहते हैं नो स्टोन इज लेफ्ट अनटर्नड, मतलब कोई भी दिशा में हम लोग कमी ना छोड़े। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको वहां पे दिख भी रहे होंगे। और ये ना जैसे ये जो आप लोगों के जो फीचर्स हैं या फिर बिलासपुर में ऑफलाइन सेंटर जिस तरह से शुरू हो रहा है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया गया, तो इसमें आपके फीचर्स सारे डिटेल दिए हुए हैं। अब सोचो कि सिर्फ इसको बनाने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा, इसको बहुत ज्यादा मेहनत, हर बारीकी से रिसर्च किया गया कि क्या बच्चों को चाहिए। नेक्स्ट फीचर मैं चाहूंगा कि बाइलिंगुअल के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये बहुत ज्यादा सवाल होता है, खासकर इंग्लिश मीडियम वाला जो एस्पिरेंट होता है ना, उसके मन में इस तरह के बहुत सवाल होते हैं। तो जैसे दोनों ही क्लासेस बाइलिंगुअल शुरू होने वाले हैं, तो आपके मन में जो नोट्स को लेकर है या फिर क्लासेस को लेकर है उसे क्लियर मयूर सर। बिल्कुल, तो बाइलिंगुअल क्लासेस जैसा सर ने बताया रहेंगी, यानी जब आप क्लास में बैठे रहेंगे तो भले ही आप हिंदी मीडियम के छात्र हो या इंग्लिश मीडियम के छात्र हो, दोनों ही भाषाओं में आपको क्लास में ऑन स्पॉट टीचर जो डिलीवरी करने वाले हैं वो बायलिंगुअल रहेगी। यानी आपको कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपको कोई शब्द है कि भाई इंग्लिश मीडियम के साथ बेसिकली समस्या ही आती है कि सर ये जो शब्द है बहुत ज्यादा हिंदी का टेक्निकल टर्म हो गया, सर हमको समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं, ऑन स्पॉट ही आपको जो पहली बार जो नोट्स डिलीवरी की जाएगी टीचर के द्वारा उसमें बायलिंगुअल डिलीवरी की जाएगी। यानी आपको कहीं पर भी ये फील ही नहीं होगा कि आपको कोई चीज का मतलब समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि भाषा आपकी अलग है, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। इसके अलावा जो नोट्स रहेंगे वो सेपरेट रहेंगे, यानी नोट्स हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम के मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों को नोट्स इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। यानी जो कंटेंट आप घर लेके जाते हो ना नोट्स का, जो संस्थान के नोट्स रहेंगे वो तो आपको वैसे भी सेपरेट मिलने वाले, लेकिन क्लास के अंदर हमने बायलिंगुअल डिलीवरी रखी है। आप एकदम यहां पे ऑनेस्टली आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हर कोई बाइलिंगुअल ही पढ़ना चाहता है, क्योंकि चाहे इंग्लिश मीडियम वाला एस्पिरेंट हो या हिंदी मीडियम वाला एस्पिरेंट हो, वो बाइलिंगुअल क्लास ही चाहता है ताकि वहां पे उसको चीजों को समझ आए। इसके अलावा आपको ई बुक का सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है, इस पे भी मयूर सर आपसे कुछ शेयर करें। बिल्कुल, ई बुक क्या होता है, जो सबसे पहला कंसर्न अगर आपके सामने आ सकता है सर ये ई बुक है क्या, तो ई बुक बेसिकली जो आपका मटेरियल है उसका ही सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ फॉर्म में आपको दिया जाएगा। कहां पे दिया जाएगा, ऐप पे आपके पास उपलब्ध रहेगा।
क्योंकि हर बार ये जरूरी नहीं है कि जैसे आपके पास वही हार्ड कॉपी उपलब्ध हो, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं अब आपको पढ़ना है और वो जो मटेरियल है संस्थान का आपके घर में है, तो आप वो ईबुक के माध्यम से बिना टाइम वेस्ट किए आप जहां पर हैं तो मटेरियल पढ़ सकते हैं। यानी कुल मिला के अगर बात किया जाए, जिसको हम कहते हैं कि टोटैलिटी में हम लोग चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो, ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है इसमें कहीं पर भी आप हो तो आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, वो आपको हाइब्रिड क्लास में भी दिखा होगा और अब ईबुक सब्सक्रिप्शन में भी आपको दिखा होगा। तो जो आपका कोर्स वैलिडिटी है, आप इंटीग्रेटेड में एडमिशन लेते हैं तो इंटीग्रेटेड कोर्स की जो वैलिडिटी है तब तक आपको बिल्कुल फ्री ईबुक सब्सक्रिप्शन मिलेगा, कोई अलग से पेमेंट नहीं करना है आपको सॉफ्ट कॉपी लेने के लिए। और प्रीलिम्स बैच में लेते हैं तो जो 6 महीने का आपका जो वैलिडिटी है तो 6 महीने तक आपको फ्री ईबुक सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो आपकी पढ़ाई हमेशा हर जगह चलती रहेगी। या कई बार ऐसा होता है ना, फैमिली फंक्शन में चले गए या कहीं चले गए, वहां पर आपको अखरता है कि अरे यार मैं नोट्स नहीं ला पाया या नहीं ला पाई, पढ़ लेती, तो वहां पे आप ईबुक के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन आप सोच सकते हो कि जिन चीजों की जरूरत पड़ सकती है वो हर सुविधा, जिन सुविधाओं की जरूरत पड़ सकती है वो हर सुविधा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कुछ फीचर्स और हैं जो हम आपको चाहते हैं कि हम आपको ऊपर, यानी कि इस फ्लोर के बाद जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है उसका एक झलक दिखाएं, हालांकि वो अभी अंडर प्रोसेसिंग है और मान के चलिए कि 10 से 15 दिन में वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मयूर सर के साथ ऊपर जाएंगे और ऊपर आपको थोड़ा क्लासरूम्स दिखाएंगे और कुछ लाइब्रेरी के किस प्रकार से फीचर्स हैं और एक दो फीचर्स और जो बचे हुए, और उसके बाद जो आपको पढ़ाने वाले हैं, जिस एनर्जेटिक टीम से आप मिलने वाले हो, जिस टैलेंटेड टीम से आप मिलने वाले हो, वो भी देखिएगा। तो फाइनली अभी हम उस जगह पे खड़े हैं जहां आपका ये ऑफलाइन सेंटर शुरू होने वाला है, यानी कि पीछे जो ये है एक बड़ा सा क्लासरूम है जहां आप बैठकर पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये भी अंडर प्रोसेसिंग है, ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, और ये जब शुरू होगा, जब इसका पूरी तरह से इंटीरियर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम आपको एक कंप्लीट वीडियो भी बनाकर दिखाएंगे कि आपका ऑफलाइन सेंटर कैसा दिखता है। अब कुछ इसके और भी फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है जिसके बारे में मयूर सर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और फीचर मैं आप सभी को बता दूँ। जैसे करंट अफेयर्स, जैसे क्लासेस में होते हैं, हमने बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें देखी, हर तरह के फीचर्स के बारे में बात किया, मटेरियल्स के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, या फिर हाइब्रिड क्लासरूम का सभी तरह की बात किया। इसमें एक अलग से हमने फीचर एड ऑन किया करंट अफेयर्स को लेकर भी, हमारी जो भी कैप्सूल्स आती हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो मैगजीन्स आती हैं वो भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। साथ में होता है ना कि अभी तक जो ट्रेंड छत्तीसगढ़ में चलते आया था कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते थे, लेकिन होना ये चाहिए क्योंकि मेंस आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, और जब भी आप करंट अफेयर का वैल्यू एडिशन करते हैं, कहीं कहीं पे तो आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कुछ स्कीम्स है वहां पे मिल जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा वहां पर, तो वहां पे कुछ कुछ आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे अगर आप रेगुलरली सटीक तरीके से करंट अफेयर का प्रिपरेशन करें तो अपने आंसर राइटिंग में उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आ गया, IMF का रिपोर्ट आ गया, RBI का रिपोर्ट आ गया, तो वो हर 2 महीने, 3 महीने या फिर 6 महीने में अपडेट होते रहता है, तो उस पर भी हम वर्क करेंगे ताकि आप एक बेहतर आंसर लिख सकें। क्यों मयूर सर? बिल्कुल सर, तो जैसे सर ने बताया कि बेसिकली जो प्रिपरेशन का जो बिल्कुल राइट तरीका है वो होता है इंटीग्रेटेड तैयारी, यानी जब हम लोग कोई भी चीज पढ़े तो पूरा पढ़े, ऐसा ना पढ़े कि केवल हमने उसके तथ्यात्मक जो चीजें काम की, फैक्चुअल जो डेटा काम का वो पढ़ लिया। तो जो सही राइट अप्रोच है, डिटेल मैनर में पढ़ाई जो होती है वो होती है कि किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ रहे हैं, यानी प्री और मेंस की साथ में तैयारी। तो अगर मैं आपको एज अ पर्सनल सजेशन दूं, एक एडवाइस दूं, क्योंकि कई बच्चों का ये भी, अब मुझे मालूम है पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार ये डाउट आएगा कि सर प्रीलिम्स बैच में एडमिशन लें या इंटीग्रेटेड में एडमिशन लें, तो मैं एज एन एस्पिरेंट जो मेरी जर्नी रही थी और एज अ टीचर जो इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इंटीग्रेटेड बैच में, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती है, ऐसा नहीं कि आपने प्री के फैक्ट्स आज पढ़े फिर 6-7 महीने बाद आप मेंस में सीधे चीजें पढ़ रहे हो, तब तक पता चला प्री के फैक्ट्स ही भूल गए, तो तैयारी जो होती है वो पूरी होनी चाहिए। और साथ साथ क्योंकि आपको मालूम है कि प्रीलिम्स के बाद समय बहुत कम मिलता है मेंस के नए सब्जेक्ट को अलग से तैयार करने के लिए, मेंस में कई ऐसे न्यू सब्जेक्ट्स आते हैं और फिर पुराने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको तो आपको प्री वालों को अच्छे से पढ़ना ही है, तो समय इतना कम हो जाता है 2-2.5 महीने कि बहुत जरूरी है कि हम लोग मेंस की तैयारी भी पहले लेके चले, इसलिए प्री प्लस मेंस यानी इंटीग्रेटेड बैच मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे सर ने लाइब्रेरी की बात की, तो लाइब्रेरी पर अगर मैं आपको बताऊं कि लाइब्रेरी हमारी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी की बात करें तो इसमें हर बच्चे के लिए एक जो पर्सनलाइज्ड काइंड ऑफ केबिन सिस्टम होगा, केबिन का मतलब ये नहीं कि चारों साइड से बंद होगा, लेकिन आपको कम से कम इतना स्पेस जरूर
जरूर मिलेगा कि जो लेफ्ट या राइट में आपके क्या हो रहा है आपको उस चीज से डिस्ट्रैक्शन महसूस ना हो, आपका एक पर्सनल एक सिटिंग स्पेस हो और आप अपना जो भी चीज उसमें रखना चाहते हो, किताबें रखना चाहते हैं, बुक्स या आप कोई डिजिटल डिवाइस रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। और इस लाइब्रेरी की खास बात यह है कि अलग से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, एकदम एब्सोल्युटली आप लोगों के लिए फ्री है। और खास बात क्या है पता है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हर सब्जेक्ट्स के आपको मिलेंगे, ताकि अगर आप पढ़ना चाहें तो उन बुक्स से भी पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में हर तरह की सुविधा जो एक लाइब्रेरी में होता है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होता है, हर तरह की सुविधा आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। एक एस्पिरेंट को सही में प्रिपरेशन कराने के लिए किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो सारा ध्यान रखा गया है। तो बहुत ही तैयारी किया गया, बहुत ही हम तैयारी के साथ में उतर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इसका हिस्सा जरूर बने। और जरूरी नहीं कि आप एडमिशन लें, बस आए हमसे एक बार बात करें। अगर आपको इस जर्नी में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आपको एग्जाम क्रैक करना है, आप कुछ बनना चाहते हैं, आए हमसे बात करें। आप जितने भी इंडिविजुअल फैकल्टीज हैं उनसे सबसे आप डायरेक्ट पर्सनली भी बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सा हॉल दिख रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े LED स्क्रीन्स होंगे और इसके अलावा इसी तरह के दो क्लासरूम्स और हैं, लाइब्रेरी है, कैंटीन की व्यवस्था होगा, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, तो हर सुविधा का ध्यान रखेंगे। फाइनली अब आप बिलासपुर ऑफलाइन सेंटर के उस टीम से मिलना चाहते हैं जिनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, और यहाँ पे कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जो अननोन है, सारे चेहरे नोन है और सारे फैकल्टी से आपने पढ़ा है। हर किसी का एक अलग अंदाज है, हर किसी का एक अलग कंटेंट है, हर किसी में एक अलग तरह का क्रिएटिविटी है। जो भी बेस्ट हो सकता है, यानी कि एक हाई क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कराने में, आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक पहुंचाने में जिस तरह का भी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया जा सकता है, हर किसी में एक यूनिक क्रिएटिविटी है और एक बहुत बड़ी टीम के साथ हम यहां पर उतर रहे हैं। और यहां पे आप ऐसा समझो कि ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट्स के सिर्फ एक फैकल्टीज हैं, यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं। पॉलिटी के 2-3 फैकल्टीज हैं, ज्योग्राफी के 2-3 फैकल्टीज आपको मिलने को मिलेंगे। तो ये टीम बहुत एनर्जेटिक है, बहुत टैलेंटेड है, हर किसी में एक, जैसे मैंने आपको बताया कि एक यूनिक जो है क्रिएटिविटी सब में है, जो आपके साथ में डिलीवर करेंगे, आपको जीरो लेवल से लेकर आपको एडवांस लेवल तक पहुंचाएंगे, यानी कि जब तक आपको पोस्ट नहीं मिल जाता आपके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस पूरी टीम का जो लीडर है वो है हमारे मयूर सर, यानी कि बिलासपुर ऑफलाइन सेंटर के हेड है। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, हालांकि आप सभी एक को जानते हैं, हर किसी को आप यहां पे पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी यहां पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मयूर सर सारी टीम को एक एक करके इंडिविजुअल देंगे, और उसके बाद हर एक फैकल्टीज अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे कि वो अपने सब्जेक्ट्स को किस तरह से डील करने वाले हैं, आपको उसमें क्या नया मिलने वाला है, किस तरह से पढ़ाने वाले हैं, वो सब कुछ भी आपको जानने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं मयूर सर से चाहूंगा कि इस टीम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। धन्यवाद सर। तो एक सवाल जो आप बच्चों के मन में ज़रूर आया होगा कि इतना समय बिलासपुर ऑफलाइन सेंटर को लाने में हमको क्यों लगा, और अब आपको उसका एक जवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी टीम जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो हीरे हैं जो अलग अलग खदानों से हमारे पास आए हैं, इनको खोजने में जो हमको समय लगा है, और जो आपके लिए दूसरी व्यवस्थाएँ हैं जिसके बारे में फीचर्स हमने डिस्कस किए थे, तो ये कारण है जो हमने इतना समय लिया, क्योंकि हम बेस्ट टीम के साथ उतरना चाह रहे थे। ऐसा नहीं कि बस हमको सेंटर खोलना है तो सेंटर खोल रहे हैं, नहीं, हमें हर विषय में सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए था, जो अपने अपने जो उनका जो फील्ड है उसमें वो मास्टर हो। ऐसे लोगों को तलाशने में और एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने में जो हमको समय लगा, इसलिए बिलासपुर ऑफलाइन सेंटर थोड़ा विलंब से आया है। तो मेरे साथ आप देख पा रहे होंगे कोमल सर हैं, किसी भी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं है। कोमल सर छत्तीसगढ़ GS के एक्सपर्ट हैं, इनके अलावा राघवेंद्र सर पॉलिटी। अच्छा, और ऑफलाइन क्लास में भी कोमल सर का यस और नो आपको सुनने को जरूर मिलेगा, बहुत ही यूनिक अंदाज में आप कोमल सर के साथ पढ़ने वाले हैं, तो कोमल सर का एक अलग ही अंदाज भी है यहाँ। साथ साथ आए बाएं ये भी सुनने को मिलेगा। इसके अलावा आलम सर पॉलिटी के एक्सपर्ट हैं, इनसे भी आप यूट्यूब में लाइव क्लास प्रोग्राम में जुड़े थे। इसके अलावा धीरज सर रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं हमारे साथ,
फिर ज्योग्राफी के एक्सपर्ट है हमारे साथ इशार सर, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आनंद सर तो हमारे साथ है ही हमेशा हमारे लिए गाइडेंस के रूप में। इसके अलावा हम बात करें सृजन सर की तो पॉलिटी और इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं सृजन सर। इसके अलावा ऋषभ सर हैं जो आपके साथ टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन रहेगा CGPSC में, इसके अलावा पेपर 7 का कुछ हिस्सा भी डील करेंगे ऋषभ सर। इसके अलावा गणेश सर हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, ये आपको साइंस का जो पोर्शन है टेक्नोलॉजी का ऋषभ सर और साइंस का गणेश सर डील करेंगे, साथ साथ फिलोसफी और सोशियोलॉजी, ये एक ऐसे कुछ विषय होते हैं जिसमें बहुत एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, तो गणेश सर हमारे साथ इसलिए मौजूद हैं। इसके अलावा सुखवीर सर हमारे साथ हैं जो पेपर 7 का कुछ हिस्सा आपके साथ डील करेंगे। हमारे साथ मिथुन सर हैं, मैथ्स के शानदार एक्सपर्ट हैं, इनसे भी आप लोग लाइव क्लासेस में और अलग अलग जो कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के चैनल से वहां पर पढ़ते हैं। इसके साथ हमारे पास पारितोष सर हैं, तो पारितोष सर जैसा आप जानते हैं, आप ऑडियो लेक्चर सुनते ही होंगे, इनके बड़ी मधुर आवाज है इनकी, मतलब आवाज सुन के ही मन को इतना सुकून मिल जाता है, तो ये हमारे साथ हैं, ये हिंदी विषय, इसके अलावा पेपर 7 का जो कुछ हिस्सा है वो सर डील करने वाले हैं। कई हमारे साथ ऐसे भी फैकल्टीज हैं जो अभी हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी आपको अलग अलग विषय में डील करने वाले हैं, तो उनसे भी हम बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द आपकी हम मुलाकात करवा पाएं। अब आगे मैं चाहूंगा आनंद सर आपको फर्दर आगे ले जाएं। और यहाँ पे पारितोष सर का नाम आया तो मुझे याद आया कि बाहर की दुनिया में पारितोष सर को कंपटीशन कम्युनिटी का RJ भी कहा जाता है। इनकी आवाज़ सच में बहुत अच्छी है, और जितने भी लोगों को आप यहाँ पे देख रहे हैं, हर किसी में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हर कोई यहाँ पे यूनिक है, और इतनी बड़ी टीम इकट्ठा करने में बहुत वक्त लगा है, और यहाँ पे अभी आप 4 से 5 लोग नहीं भी हैं, जैसे एक तरुण सर हो गए, अनु मैम हो गई, एक दो लोग और हो गए जो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है जो आपके साथ में डील करने वाले हैं। तो फाइनली मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि कंपटीशन कम्युनिटी का ऑफलाइन बिलासपुर सेंटर 1 मार्च 2023 से शुरू हो रहा है, जैसे मैंने कि आप सभी को शुरू में भी बताया। 1 मार्च से 2 बैचेस शुरू हो रहे हैं, पहला CGPSC इंटीग्रेटेड बैच जो कि 15 महीने का कोर्स रहेगा, सारे फीचर्स मयूर सर डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा CGPSC प्रीलिम्स का बैच वो भी 1 मार्च से शुरू हो रहा है जिसका ड्यूरेशन 6 महीने का होगा। अगर आप टॉप 100 में एडमिशन करा लेते हैं तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज का इंटीग्रेटेड में फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, और 4,000 रुपीज का आपको प्रीलिम्स में फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आपके पास में ये बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि 100 एडमिशन कब होंगे पता भी नहीं चलेगा जैसे ये वीडियो जाएगा। तो फाइनली हम तैयार हैं, वी आर रेडी, और आप सभी भी, इसके लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी भी बहुत एक्साइटेड थे, तो अब आपके पास में भी एक अपॉर्चुनिटी है, और जल्द से जल्द, बहुत कम समय है, नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क जरूर करें।